लड़कियाँ बहुत तरह की होती हैं यार, उसमें से कुछ सिलेक्ट करनी चाहिए हमें भी। हमको ना एक्सक्यूज मी, योर स्वीट नेम प्लीज। रुक्मिणी। हाइट थोड़ी कम है फिर भी ठीक है। ओके ए, आप कहोगी तो ये छड़ी फेंक कर बांसुरी लेकर कृष्णा बन जाऊंगा, क्योंकि हम दोनों कृष्ण लीला खेल सकते हैं, इसलिए ओके ना। सड़क छाप कहीं के? सड़क छाप वाला काम मैंने कब किया है? नहीं ना, नहीं ना। हेलो, अरे रुक जा रे, सड़क छाप वाला काम कब किया मैंने? सुनो जाने मन, सड़क छाप का है ना टाइटल बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ करना होगा हमें। क्या करूँ मैं, क्या करूँ बताओ ना। कुछ नहीं करो भाई, कुछ करो, कुछ करना पड़ेगा। क्या करूँ अब मैं, आ गया। ओए छपरे, आ गया लड्डू खाने के टाइम पर नमक की तरह सामने। तुम जाओ बहन। कब करेंगे? देख रहा हूँ आजकल बहुत ज्यादा उछल रहा है तू, लगता है तेरे बदन में गर्मी ज्यादा बढ़ गई है। हाँ बढ़ गई है, क्या करेगा तू। ज्यादा बढ़ गई है ना तो किसी से शादी करके उसके बच्चे का बाप बन। लेकिन ये टपोरी गिरी और लुखापन दिखा के हमारी गांव की लड़कियों को छेड़ मत समझा। छेड़ा तो क्या करेगा रे तू, मेरे गांव की लड़की को अगर तू छेड़ेगा तो तेरा क्या हश्र होगा तू खुद ही जानता है। हम हथियार सिर्फ गन्ना काटने के लिए इस्तेमाल नहीं करते बल्कि सर भी काट डालते हैं। ए स्टार, वो लड़की तेरी थी या बहन थी? मस्त था। ए, सिर्फ खून का रिश्ता ही भाई बहन का नहीं होता। भाई कहकर बुलाने वाली इस गांव की हर लड़की मेरी बहन है। अगर तेरी बहन है तो जाकर राखी बंधवा ले, ये छोड़कर हर बार मेरे रास्ते का काटा मत बन। मैं पहले से बैड बॉय हूँ, शहर से लेकर गांव तक मैं कौन हूँ सबको पता है, पूछ कर देख ले। मेरे बारे में पूछने के लिए तू कोई बहुत बड़ा नेता या हीरो नहीं है, सबसे पहले तो गाँव की नजर में हीरो बन जा, बहुत देखे तेरे जैसे। चल निकल। चलता बन, चल भाई मुझे काम है। ठीक है तू जा। स्टार, स्टार रुकिए ना। अरे मैडम आप यहाँ पे? उस दिन आपको बताया था ना, यही तो मेरा कॉलेज है। ऐसा क्या? क्या बोल रहे थे? मेरा गांव, मेरी बहनें, हीरो की तरह इतने सारे डायलॉग मार रहे थे। अपने गांव और गांव की बहनों की इतनी इज्जत करते हो क्या? और क्या मैडम, 10 गांव से लड़कियां हमारे यहां पर पढ़ने आती हैं। उन्हें इस तरह से कोई परेशान करेगा तो कल को वही लड़कियां हमारे गांव में आएंगी क्या? और अगर गांव में आ भी गई तो कहेंगे कि यहां के लड़के सही नहीं है, और उसके बाद हमारे गांव की इज्जत गई ना पानी में। ओ ऐसी बात है, तो आपने कभी किसी लड़की को परेशान नहीं किया? नहीं मैडम। और किसी लड़की को आपसे प्यार नहीं हुआ? मुझसे प्यार कौन करेगी? करेगी तो आप करोगे क्या? अरे हम जैसे को लव शव की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हेलो। ए स्टार कहाँ हो? क्यों क्या हुआ बोलना। अरे यार हमारे बार में रमेश और शाम आकर पीकर झगड़ा कर रहे थे, पुलिस आकर उन्हें उठाकर ले गई। हाँ अब क्या करूँ यार। ठीक है आता हूँ, रुक। ठीक है मैडम थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा स्टार। हाँ। मुझे अपना नंबर दे दो ना। लिख लीजिए 2964103013, लिख लिया ना? ठीक है चलता हूँ। निकम्मो, भरी दोपहर में बार में जाकर पीते हो, पेट भर के खाते हो और पैसे देने के नाम पर कैशियर पर हाथ उठाते हो। तो जान से मार दूंगा तुम सबको। नमस्ते साहब। तुम यहाँ कैसे आए? वो साहब मैं अपने दोस्तों के लिए आया हूँ। अगर कोई बार में बैठकर मारपीट करेगा तो लॉकअप में नहीं डालकर पूजा करूंगा क्या? 2 दिन अंदर रखकर ट्रीटमेंट दूंगा ना तो सब ठीक हो जाएंगे। छोड़ दो ना साहब, वो सभी मेरे दोस्त हैं, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मैं समझाऊंगा साहब। ओ भोलेनाथ सर, उन्हें छोड़ दो भाई। जी सर। चलो रे तुम्हारी जमानत हो गई है, खेलो पहनो कपड़े। सभी चोरों के सरदार दिख रहे हैं। ए स्टार। हाँ सब। फिर कभी ये लोग अगर लफड़ा करते हुए मेरे हाथ में पड़ गए ना तो इनमें से एक एक की चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा मैं। ठीक है साहब। हाँ ले जाए ने। ए, चलो यहाँ से चलो। बेवकूफ लोग। साहब आपका बहुत एहसान है, चलता हूँ साहब। ए स्टार। भोलेनाथ एक चाय लेकर आओ। जी सर। हाँ साहब। स्टार
उस दिन मुझ पर जिन्होंने अटैक किया था ना, हाँ सब पता चला वो लोग कौन थे? नहीं सब, पता चल जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है सब, चलता हूँ सब। इतनी रात को कौन हो सकता है? हेलो। हेलो, कौन है? मैं हूँ अभी एसआई की बेटी। हाँ बोलिए मैडम। वो आपसे थोड़ी बात करनी थी, कल मिलोगे क्या? हाँ, ब्रिज के पास आ जाना सुबह। ओके स्टार। ठीक है मैडम। क्या मैडम, कुछ बात करनी है बोलकर इतनी दूर बुलाकर चुपचाप साइलेंट खड़ी हैं? बोलो ना क्या बात है? मेरी लाइफ से जुड़ी हुई बात है। आपके लाइफ से जुड़ी हुई बात है तो इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ मैडम? मेरी लाइफ नहीं, हमारी लाइफ की बात है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब मुझे तुमसे प्यार हो गया है स्टार। कौन सी खुशी में मैडम, मेरे साथ कॉमेडी कर रही हो क्या? नो, आई एम सीरियस। देखो मैडम, आपसे दोस्ती इसलिए नहीं की कि आपसे लव करके आपको दाना डाल के फिर आपसे शादी करके आपके बाप का दामाद बन जाऊं। मुझे ये लव बिहेव ये सब समझ में नहीं आता। और वैसे भी मैं आपके लिए सही जोड़ी तो नहीं हूँ। दोस्त बने दोस्त बनकर ही रहेंगे, आपके लिए भी अच्छा और मेरे लिए भी अच्छा। आजकल के लड़के लड़कियां अगर आके बात भी कर ले तो उनसे फ्रेंडशिप का बहाना बनाते हैं, उनसे प्यार करते हैं, फिर पार्क, सिनेमा, कॉफी डे में खाना खाकर उन्हें पब ले जाते हैं, उन्हें हिल स्टेशन ले जाते हैं, हर जगह घुमाते हैं। और इस जमाने में आप, एक लड़की आकर आपको प्रपोज कर रही है, उससे कह रहे हो प्यार नहीं चाहिए, फ्रेंड्स बनकर रहेंगे, ऐसा कह रहे हो? सच में आप राम के भक्त ही होगे। ओके फ्रेंड्स। ठीक है, चाहिए क्या भाई? ए! आज इस कमीने से पहले के पैसे भी वसूल करूंगा। क्या चाहिए भाई? इस फालतू बार में क्या क्या मिलता है? हाँ, OCBC, राजा रानी, AM PM, रम, विस्की, ब्रांडी, बियर, सब कुछ मिलेगा। आपको क्या दूं? जो मैं मांगूंगा मिलेगा। अरे भाई माँ कसम, जो मांगोगे वो दूंगा, आज ग्राहक ज्यादा है, मैं अकेला हूँ, जल्दी बोलो। ओके, जितने भी ब्रांड तूने बताए सबको अच्छे से मिक्स करके कॉकटेल बना के ला के पिला दे मुझे। क्या कहा तूने? माँ की कसम खाई। हलकट मुझे ही फंसा दिया। कैसा उल्लू बनाया मैंने? अरे ये तो टाइट हो गया, इससे बात करके क्या फायदा? अरे भाई इसे क्यों खोल रहे हो? ट्रे में बचा हुआ सब डालो ना, उसको कहाँ पता चलेगा क्या? अरे मिलावट करना सीख गया मैं क्या भाई, आप भी तो करते हैं। प्रॉफिट तो अपना ही है ना। कॉकटेल पी लो भाई। क्यों बे, कुत्ता समझ रखा है क्या? कुत्ते को तो इज्जत से खिलाते हैं। ये अबे ये कौन सी कंपनी का माल है, लेबल कहाँ है? भाई कॉकटेल मांगा था ना, उसमें लेबल कहाँ से लगाऊंगा? पैसे दो चलता हूँ। पैसे निकालने में इतनी तकलीफ, कहाँ कहाँ छुपा कर रखता है? ये क्या चप्पल क्यों दिया? सर पे मार ले। भाई ये लो रखो, पैसे दो चुपचाप। ए, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पीने से पहले कौन सा कस्टमर पैसा पहले देता बता मेरे को। चल निकल जाना। ठीक है। सुपर ब्रांड है, आज से मैं यही कंटिन्यू पीऊंगा। आजा आजा। अरे क्या भाई इतनी जोर से चिल्ला रहे हो, बिल दे दूं क्या? अभी मेरी बात तो सुन। हा? एक क्वार्टर तू ना इसी तरह से मिक्स करके पार्सल ला करके मेरे को दे दे। एक और क्वार्टर चाहिए? यस। वाह, अभी जाना जल्दी से पार्सल लाना। भाई अब क्या हुआ? एक और कॉकटेल का क्वार्टर मांग रहा है, पार्सल दे दो। टिन 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 टा भाई कॉकटेल।
आपके लिए लेकर आया हूँ, 535 रुपए बिल हुआ दे दो। ए, इनकम टैक्स भरना है मेरे को, चुपचाप बिल ला करके दे। हाँ? अबे तेरी तो, अबे पढ़ा लिखा है ना। ए भाई, मैं घर जा रहा हूँ, किसी को बताना मत। ओके भाई, बाय। हाँ ये लो भाई, जो भी इनकम टैक्स भरना है भर लो। हाँ? कहाँ गया ये? घर गया होगा। अपने अबे तेरी तो, तू कमीने कहीं के, इनकम टैक्स कहाँ से भरेगा तू, मुझे ही टैक्स में डाल दिया। ओ! स्टार? क्या मैडम? यहाँ ना, घर आओ ना। आओ बैठो। हाँ कोई बात नहीं मैडम, प्लीज बैठो ना। ठीक है मैडम। कैसा लगा मेरा घर? बहुत अच्छा है मैडम। दो मिनट, हाँ मैं कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। नमस्ते साहब। तुम यहाँ कैसे? मैंने बुलाया है डैडी। क्यों? ये घर के सामने से गुजर रहे थे तो मैंने इन्हें कॉफी के लिए बुला लिया। आपको कॉफी दूँ क्या? नहीं। ये लीजिए। चलता हूँ मैडम। ओके। ये क्या कर रही हो बेटी, रास्ते पर जाने वालों को घर पर बुलाती हो? मैंने किसी रास्ते पर जाने वाले को नहीं बुलाया डैडी, उस दिन इसी ने आपकी हेल्प की थी इसलिए बुलाया। देखो बेटी, ये गांव के लड़के अच्छे नहीं है, सभी इडियट्स हैं। नहीं डैडी, ये वैसा नहीं है। एक लड़की इसके पास गई और उस लड़की ने इसे प्रपोज किया और इसने उसे समझाया कि इसे प्यार नहीं चाहिए और फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। ये अच्छा इंसान है डैडी। अच्छा क्या होता है तुम्हें नहीं पता, जा एक कप कॉफी लेकर आओ। ओके डैडी। हे भगवान, बस बस। डर लग रहा है, अगर कभी मुझे कुछ हुआ तो तू अकेले कैसे जिएगा? अब तूने वापस अपनी कहानी शुरू कर दी। ऐसी बात नहीं है बेटा, तेरे पापा भी ऐसे ही थे, हम दोनों को बीच रास्ते में छोड़कर चले गए। मुझे भी अगर कुछ हो गया तो, मेरी आंखें बंद हो गई तो तेरा क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा माँ, जब देखो तब बुरा सोचती रहती हो और मुझे भी डराती हो। अब चुपचाप खाना खाने दो। अरे सुन तो, कभी तो सुना कर मेरी बात। नहीं सुनूंगा। अच्छा, तेरे पापा भी मेरी बात नहीं सुनते थे, अब तू भी मेरी बात नहीं सुन रहा है। इस घर में मेरी बात की कोई कीमत नहीं है, फिर मैं किसके लिए जीऊं बता? ठीक है, क्या है बोलो। देख बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, तेरी शादी हो जानी चाहिए। अब मैं शादी क्यों करूँ माँ? ऐसे नहीं कहते बेटा, मेरी बात मानना, तू जल्दी शादी कर ले। तेरी शादी में मैं खुशियाँ मनाना चाहती हूँ, बाद में भले ही मर जाओ कोई गम नहीं। चुप रहो ना माँ, हमेशा बुरा सोचती रहती हो। पहले खा तो ले। अरे ऐसा क्यों कह रहा है तू, मेरी बात नहीं सुनेगा ना? तेरे पापा भी ऐसे ही करते थे, मेरे बात की इस घर में कोई इज्जत नहीं है, एक लौता बेटा है, कभी मेरी बात नहीं सुनता। ठीक है क्या करना है, अभी शादी करनी है ना, कर लूंगा। चलो मैं जरा खेत में जाके आता हूँ। हे भगवान। क्या स्टार, मुझसे कहा कि तुम्हें बात करनी है और यहाँ बुलाकर साइलेंट खड़े हो, क्या बॉस मौन व्रत रखा है क्या? देखिए मैडम, उस दिन आपने इसी जगह पे प्रपोज किया था। हाँ तो? मुझे लव शव नहीं चाहिए, फ्रेंड बनकर रहेंगे ऐसा मैंने बोला था। आप दिखने में बहुत अच्छी हो और ऊपर से बहुत पढ़ी लिखी भी हो, और मैं 8वीं क्लास फेल हूँ। मेरे पापा किसान है, तुम्हारे पापा ऐसा है, हमारी तुम्हारी कभी नहीं जमेगी मैडम। और वैसे भी माँ शादी के लिए जिद कर रही है, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। आप मान जाओगी, अपने पापा को मना लोगी
तो मैं आपसे शादी कर लूंगा मैडम। उस दिन मैंने आपको प्रपोज किया था तो आपने मुझे मना किया, और आज आप मुझे जब प्रपोज कर रहे हो तो मैं मान जाऊं क्या? मैडम मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं मैडम, आपको पसंद है तो ओके, नहीं तो मैं कभी नहीं पूछूंगा मैडम। मैं मान गई, लेकिन पापा नहीं मानेंगे तो शादी नहीं करोगे? आपसे प्यार करने वाली, शादी करने वाली, घर संभालने वाली मैं हूँ, मेरी हाँ काफी होनी चाहिए, मेरे पापा को क्यों मानना चाहिए? पहले प्यार करो और फिर जब शादी का टाइम आए तो कहोगे देखता हूँ, वो क्यों? मुझे तो तुम जान दी होंगी सबसे खराब खिलाड़ी। मुद्दे पर आता हूँ, ये कैसा इंसाफ है मैडम? इतने सारे डार्लिंग लोग यहाँ पर है, हम सबको छोड़कर सिर्फ उसी को ही तुम चुम्मा देती हो, उससे अच्छा ये नहीं है क्या, ये नहीं क्या, ये नहीं क्या, मैं नहीं हूँ क्या? रिक्वेस्ट करके पूछ रहा हूँ, मुझे भी एक चुम्मा दे दो ना जानू, एक ही दे दो ना जानू, प्लीज जानू, प्लीज दे दो ना एक चुम्मा, एक ही चुम्मा, चुम्मा मस्त मक्खन की तरह, स्टार की क्या जरूरत है? ए, आ गया बहादुर शेर, आजा आजा, रॉकी स्टार क्यों रे भाई, तू चाहे तो गांव की लड़कियों को छेड़ सकता है, प्यार कर सकता है, चुम्मा दे सकता है, हम छेड़ेंगे लव करेंगे तो गलत बात है, हा? ये तो कछुआ और खरगोश वाली कहानी की तरह हो गया, खरगोश आगे निकल गया, कछुआ वहीं पर बैठ गया, ऐसी अपनी कहानी है, सही गाना है भाई। मैं कहानी सुनाता हूँ, तूने टेस्ट किए हुए इस शाही पनीर के होटो को मैं एक बार टेस्ट करूंगा, क्यों सही कहा ना, चल अभी घूम जा। लुखे यहाँ की मिट्टी का बेटा हूँ मैं, वादा निभाता हूँ और दोस्तों के लिए जान भी दे देता हूँ, अगर इसको तूने छेड़ा ना तो तुम सभी का खून निकाल कर इस नदी में बहा दूंगा, और अब तो ये मेरी प्रेमिका बन चुकी है, इस पर नजर भी मत डालना। तो क्या है? मेरी प्रेमिका को परेशान किया है तूने, अभी तो तुझे जाने दे रहा हूँ, लेकिन वापस कभी ऐसी हरकत करेगा ना तो यहीं पर तेरी समाधि बना दूंगा।